हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको दुबई में जॉब करनी है तो आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, प्रिंटिंग से आपने डिप्लोमा कर लिया या बीटेक कर लिया और आप चाहते हो कि आप किसी विदेश में जॉब करो और आपको अच्छी खासी सैलरी मिले। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे आज एक मित्र हैं जिनका नाम है संजय जी। तो संजय जी, आप प्लीज जो है हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप प्लीज उन्हें बताएं कि किसी को दुबई में अगर जॉब करनी हो तो उसे क्या क्या फॉलो अप करना होगा, क्या क्या चीजें समझनी होगी, क्या क्या जरूरतें होती हैं उसकी। उससे पहले मैं आपको मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में आप प्लीज जो है लोगों को बताएं। जी, मैं संजय यादव, मुझे यूएई में 1 ईयर हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए, और इसके पहले हमने इंडिया में जॉब किया। तो उसके लिए बहुत एसेंशियल था कि एक डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, उसके साथ ही साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए स्किल, और ये एक मतलब वेल एडुकेटेड पर्सन, और हर चीज को समझना कैसे क्या हमें करना है, और प्रोसेसिंग भी है। मतलब जैसे मान लो ऑफर आया तो उसके बाद फिर देखना है कि कैसा कंपनी है, कंपनी को भी देखना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मतलब बिगेस्ट कंपनी है, तो कई चीज माने रखता है हर चीज में। तो उसके बाद यहाँ का सफर रहा। जी, तो आप तो, थोड़ा सा और अपने बारे में थोड़ा सा और दर्शकों को बताएं। जी, मैं प्रतापगढ़ से, यूपी से हूँ। तो मैंने फर्स्ट जो है पहले सोनीपत में जॉब किया, यूफ्लेक्स में किया, जो मतलब एक बिगेस्ट कंपनी था, फ्लेक्सिबल कंपनी। तो प्रिंटिंग भी कई प्रकार के हुआ, तो जिसमें हमने लेबल को मतलब अपना वो समझा, लेबल फ्लेक्सो प्रिंटिंग, गुड प्रिंटिंग, चूंकि उसका एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कुछ और रीजन भी है तो अच्छा भी है। तो अभी आने वाले टाइम में जो है इन फ्यूचर इसका अच्छा ग्रोथ है इन लेबल फ्लेक्सो। तो हमने लेबल को चूज किया, और उसके बाद सोनीपत में भी जॉब किया, फिर हमने देहरादून में भी जॉब किया, कई कंपनियां हैं उसके, बड़े बड़े की भी कंपनियां हैं। तो उसके बाद फिर दुबई आया, दुबई में हमने जॉब किया। तो दुबई बेसिकली आपने बताया कि आपने यूफ्लेक्स में जॉब किया, तो थोड़ा यूफ्लेक्स के बारे में बताएंगे कि यूफ्लेक्स में आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपका कैंपस हुआ, फिर वहां जाके फिर आपके साथ क्या हुआ। बहुत मतलब आप बताएंगे तो थोड़ा लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में, जानने में, जो लोग यूफ्लेक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, यूफ्लेक्स के बारे में, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, यूफ्लेक्स एक इंडिया का एक बहुत मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री में बिगेस्ट कंपनी है, और उसका बहुत बड़ा प्लांट है। तो जैसा कि इंडिया में टॉप पे पीपीएल के बाद यूफ्लेक्स ही आता है, जो एक बिगेस्ट कंपनी है। तो उसमें कैंपस जो है मोस्टली डिप्लोमा होल्डर और बीटेक एमटेक को हायर करते हैं। सो उधर अच्छा रहा, इन्वायरमेंट अच्छा है काम करने का, हर चीज बढ़िया है, एम्प्लॉय भी अच्छे समझते हैं सब कुछ, मतलब चूंकि एक टेक्निकल टीम पूरा रहता है तो सपोर्ट अच्छा करते हैं। तो आपका मतलब है कि अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा क्या है कि तो इसलिए यूफ्लेक्स जी, मतलब अगर आप कह रहे हो कि अगर कोई डिप्लोमा या बीटेक नहीं किया है तो वो फिर यूफ्लेक्स में एंट्री नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है, बट क्या है कि एक लोवेस्ट उससे IGA MST। तो मान ली आपने यूफ्लेक्स ज्वाइन कर लिया, वहां पे आपको क्या करना पड़ता था? वहाँ पे तो फर्स्ट क्या है कि आपका प्रोविजनल पीरियड रहता है 6 मंथ, 1 ईयर रहता है, बट आपको 6 मंथ तो मोस्टली टाइम दिया जाता है कि आप 6 ईयर में अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट कर दिए तो आपका इंक्रीमेंट अच्छा होएगा। उसके साथ ही साथ और चीज जो है, मैनेजमेंट आपके बारे में सोचेगा, अगर आप कंपनी के बारे में सोचते हैं तो मैनेजमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मतलब आपके बारे में सोचे। तो ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी जो है, सब कंपनी एक जैसा नहीं होता, मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो बिगेस्ट कंपनी है तो वो तो और अच्छा है कि लोगों को उसमें ऑफर मिला, तो यूफ्लेक्स का सफर बहुत ही अच्छा रहा, तो मेरे लाइफ में सबसे बिगेस्ट कंपनी और सबसे अच्छी कंपनी यूफ्लेक्स। फिर यूफ्लेक्स के बाद आपने कहाँ पे ज्वाइन किया? यूफ्लेक्स के बाद हमने स्कैनम इंटर लेबल बद्दी में ज्वाइन किया, वहां पे लेबल में हमने मूव किया, क्योंकि क्या था कि आने वाला समय जो है ग्रेवियर इंडस्ट्री जो है वो पॉलिएस्टर के कारण इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट जो पड़ता है इन्वायरमेंट पे, तो
आने वाले समय में तो अच्छा है, पैसा तो बहुत है उसमें, बट क्या है कि लाइफ कम है क्योंकि उसमें साल्वेंट यूज होता है और हमारा पॉलिस्टर जो एनवायरनमेंट पे एक बैड इफेक्ट देता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक मतलब अलग लाइन में जाए। तो हमने लेबल में लेबल को देखा, तो लेबल तो आज कोई भी चीज आप लेंगे तो बिना लेबल को तो लेबल का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए लेबल को चूज किया। तो फिर इसके मतलब मेंटल लेबल में जॉब किया। अच्छा, आप ग्रेवियर से फिर फ्लेक्सोग्राफी में शिफ्ट हो गए है ना? यस यस, हां चेंज। तो यही यही रीजन था आपका, जो सॉल्वेंट वगैरह जो यूज होता है और जो स्कोप वगैरह आप बता रहे थे, हाँ, ये रीजन था। हाँ, तो स्कैनम में आपने कितने साल जॉब किया, कितने महीने? वहाँ पे भी हमने 1 ईयर ही किया। फिर वहाँ पे छोड़ने का रीजन ये था क्योंकि ग्रोथ होता है, जैसे मतलब 1 ईयर अगर कहीं पर हो, अगर अच्छा ग्रोथ मिलता है तो लोग डबल सैलरी मिलता है, दूसरी जगह अच्छा मिलने लगता है, एक अच्छा पोजीशन मिलता है, तो उससे बेटर है कि ग्रोथ करना है। क्योंकि ग्रोथ तो कंपनी करेगा ही, किसी के जाने और रहने से कंपनी का भी वो नहीं होता कि हम छोड़ के जा रहे हैं तो कंपनी चले, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक मतलब वो होता है कि जो उसका तरीका होता है कंपनी, बस वही है चीज, बाकी कंपनी तो चलता रहेगा, कोई आए कोई भी जाए। तो उधर से छोड़ के फिर हमने सोनीपत गया, सोनीपत में भी अच्छा किया। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जो भी लोग देख रहे हैं इसको, कि सोनीपत में मैं और संजय जी रूममेट थे, तो हम लोग अलग अलग कंपनियों में जॉब करते थे, तो काफी अच्छा दौर रहा है हम लोगों का वहाँ पे हरियाणा में। और मैं चाहूंगा कि अब आप जब आप स्कैनम या फिर आपने लेबल की कंपनी में छोड़ के जब आप हरियाणा मूव हुए, तो मतलब वहां पे क्या रीजन था? ग्रोथ आपने बताया, ग्रोथ रीजन था, और कोई रीजन? यस, ग्रोथ था, ग्रोथ के साथ ही साथ पोजीशन भी अच्छा मिल गया था और सैलरी भी मिला अच्छा। तो फिर तो यहाँ पे अगर आप बताना चाहें तो आप थोड़ा सैलरी भी बताते चलिए, क्योंकि लोगों को ना सैलरी सुनने में मतलब उन्हें एक इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी रहती है कि जब आप यूफ्लेक्स थे, यूफ्लेक्स में थे तो सैलरी क्या थी, फिर आप स्कैनम में गए तो सैलरी क्या थी? यूफ्लेक में तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, ट्रेनिंग पीरियड में 11,000 था। उसके बाद फिर हमने स्कैनम में मूव किया तो 18 पे गया, फिर सोनीपत आया तो हमने 25 था मेरा, 25,000। तो मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं, क्यों चेंज करते हैं, उन्हें ग्रोथ चाहिए होती है, उन्हें पैसे चाहिए होती है। ग्रोथ के साथ ही साथ मैनेजमेंट भी होता है कि कंपनी का हमारा मतलब मैनेजमेंट क्या है, अगर कंपनी हमें समझेगा तो हम अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम कंपनी को भी सोचेंगे। कभी कभी कहीं कहीं होता है कि कंपनी जो होता है वो समझता नहीं है हर चीज, मतलब बहुत जिम्मेदारी देते जाता है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है, वो जब चला जाता है तब पता चलता है यार बंदा सही, ऐसे भी होता है इंडस्ट्री, मतलब वो उनके जैसे कि किसी को खोने के बाद से हमें उसकी कीमत पता चलती है ना, जब तक वो रहता है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो यही चीज एम्प्लॉय की होती है, जब तक वो कंपनी में रहता है उसकी लोग बहुत ही कम कद्र करते हैं, उसकी वैल्यू तो छोड़ के जाने के बाद पता चलती है ना, जाने के बाद पता चलता है बिल्कुल। तो मतलब आपने ये जो जर्नी आपने बताई हरियाणा में जो था, तो आप दुबई यहीं से गए हरियाणा से ही? नहीं, उसके बाद फिर हमें ग्रोथ इंडिया में फिर अगेन मिला देहरादून, जिरकान बिगेस्ट कंपनी है अभी, उसके पास एट मशीन हो गया यहाँ पे लेबल फ्लेक्टर का बिगेस्ट कंपनी है, तो वहां पे गया जिरकान टेक्नोलॉजी देहरादून, जिरकान। तो वहाँ पे आपको पहले आपने हरियाणा हरियाणा के बारे में बता दीजिए, जो हरियाणा में आपने किस कंपनी में जॉब किया था और वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था, क्या करना रहता था आपको? हरियाणा में हमने साई कॉम में किया था, वहाँ मोस्टली पतंजलि का जॉब था, और हमारा ये पतंजलि का था, इमामी का था, मोस्टली पतंजलि ही चलता था, पतंजलि का पूरा कई जॉब था, समथिंग 3,000 समथिंग जॉब, डिफरेंट डिफरेंट, और उसके साथ ही साथ ये 3,000। अच्छा, मतलब 3,000 लगभग जॉब प्रिंट किए? यस, इमामी ग्रुप एंड ये फार्मा के भी जॉब थे, फार्मा के साथ ही साथ सारे जॉब लेवल के थे, हमारा ये लेवल के थे, और हमारा ये भी था जो
ये कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड एक एग्रीकल्चर कंपनी था, उसका भी लेबल काफी था। और उसके साथ ही साथ पैरासूट जो हमारा मैरिको 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 बिगेस्ट कंपनी, उसका भी हमारा काफी वो था। उसके साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रा, ये वाइन का भी था, वाइन का भी था, उसके साथ साथ लैका का भी था, जैसे मैजिक मोमेंट और आपके पास कुछ सपोला सैंपल होगा गोल्ड। क्या कि जो कि डायरी वगैरह में अगर कहीं आपने रखा यस हो दिखा सके उसे हमारे दर्शकों को तो थोड़ा हाँ है, मजा। सिंपल है। यस ये सिंपल है, जैसा कि हम देख रहे हैं, गुड नाइट का जॉब है ये। और ये 1965 वाइन है, एंड ये डेनिश डेनिश जॉब जो, ये भी वाइन का है। और एक टोपेक्स है जो कि यार रेडियो फार्मा का जॉब है, एंड ये पतंजलि, मोस्टली पतंजलि। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने सैंपल दिखा दिया, लोगों को काफी समझ में आ जाएगा इस चीज से कि एक्चुअल में यस, एंड क्या करते हैं। कोरोमंडल, आल्सो कोरोमंडल अच्छा जॉब, दिस कोरोमंडल, इज ठीक इन एग्रीकल्चर लेवल, ठीक एंड दिस पैरासूट। तो यस, रजिस्ट्रेशन में कोई इशू नहीं आता, इतने छोटे छोटे टेक्स्ट आप लोग प्रिंट करते हैं। नहीं रजिस्ट्रेशन में इशू नहीं आता एक्चुअली। जो रजिस्ट्रेशन का इशू आता है, हम उसको सॉलिड कलर में बना देते हैं, अदरवाइज जो रहता है मोस्टली हम CMYK के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जैसे, यस सिंपल, आप देख लिए, और भी सिंपल है, सपोला गोल्ड एंड पतंजलि केश कांति। यस, हाँ पतंजलि केश कांति ठीक। एंड डब, अच्छा ये सारे क्वालिटी वाले प्रीमियम जॉब आप लोग प्रिंट करते हैं। यस क्वालिटी प्रीमियम। दिस जॉब देखिए, जैसे अच्छा ये तो आपने रॉयल ये भी स्टैग, प्रिंट किया हुआ है, तो यस रॉयल स्टैग जीवा प्रिंट करते टेक्नोलॉजी थे आप में, लोग इसको। यस प्रिंट करते थे। तो इसमें मतलब फॉइल भी हुआ है, और इसके साथ ही साथ कलर का जॉब है, और इसमें इम्बोजिंग भी है, काफी टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग है। हाँ यस सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है आपने इतने सारे एग्जाम्पल दिखाए, इससे लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यस आप थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं कि आपकी आपका जॉब कैसे लगा दुबई में, आप वो प्रोसेस पूरा बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली ये यस वीडियो हम लोग इसीलिए बना रहे बिल्कुल। हैं कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दुबई में अगर किसी को जॉब करना हो प्रिंटिंग से, या फिर वो उसने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, या डिप्लोमा कर लिया, और उसको अगर नहीं पैसे अच्छे मिल पा रहे हैं, उसे लगता है कि मेरा बाहर ज्यादा ग्रोथ है, तो लोग चाहते हो, कई कई बार तो ऐसा होता है कि जी लोग एडमिशन भी इसलिए लेते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग ग्रोथ, कि मुझे बाहर जाना है, दुबई जाना है, सऊदी जाना है ना, अमेरिका जाना है। अमेरिका के लिए तो मैं नहीं कहता अभी फिलहाल, क्योंकि लोग ज्यादातर जाते हैं दुबई, सऊदी, हाँ साउथ अफ्रीका है ना, इस तरह की गल्फ कंट्रियों में कंट्री जाते हैं, जाता है। डरबन यस वगैरह जो भी है ना, तो इन सब जगहों पे लोग जाते हैं। तो तो आप प्लीज स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे आपको कब मन किया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, विदेश में नौकरी करनी है, मुझे दुबई जाना नहीं, है। वो तो कंप्लीट करने का, जी वो क्या हुआ था कि जब हमारा कंप्लीट हो गया था डिप्लोमा, उसके बाद हमने जब जॉब किया, जॉब करने के बाद फिर ये हुआ कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम जाएंगे जरूर। क्योंकि इसके पहले हमें जो अपॉर्चुनिटी मिला था, मुझे ऑलरेडी वहाँ घाना अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से भी ऑलरेडी आ चुका आया था ऑफर, बट हमने उसको एक्सेप्टेड नहीं किया। हम एक्सेप्टेड किया था, बट फैमिली कुछ इशू था तो हम नहीं गया। तो फिर ये हुआ कि अब सेकेंड जो आएगा उसको तो छोड़ना ही नहीं है ऑफर, कोई भी रहे, थोड़ा कम पैसा मिले लेकिन जाना ही जाना है। जो कि मैंने ऑलरेडी 1200 डॉलर की जॉब छोड़ा है, मीन्स 1 लाख एबव हो रहा है, बट अब यहाँ पे मुझे 80 में करना पड़ रहा है, 80,000 में। इसलिए कि चलो ठीक है, थोड़ा पास भी रहेगा दुबई, और अफ्रीका लोग घर पे अफ्रीका के नाम से भी थोड़ा डरते हैं ना कि अफ्रीका यार कैसा है कैसा नहीं, और यहाँ क्या है, जो हमारा यूएई है अच्छा है, तो अच्छा, तो फिर इधर जॉब अच्छा लग गया। हाँ तो यहाँ पे आपको क्या सैलरी मिल जिस रही है? कंपनी में हुई आ रही, अभी 80,000। 80,000। कैसे यस मतलब कंपनी क्या क्या वहां पे आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, कितने में आपका जो उतना एक होता है कि आदमी बाहर जॉब करने जाता है तो उसको चाहिए होती है बचत, सेविंग, सेविंग के बारे में लेके बहुत चिंतित रहते हैं लोग सेविंग कि सेविंग चाहिए, कितना बिल्कुल बचेगा बिल्कुल हमारा, कितना खर्च हो जाएगा, कैसे मैनेज होगा, सेव। तो उसके बारे में। यस
सेविंग तो डिपेंड करता है कैसे, मतलब आप रह रहे हैं और कैसे क्या, आपके आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ चीजें जो है, जो मतलब जैसे एकोमेंडेशन का हो गया, फूड का हो गया, वो सब अलाउंस निकालने के बाद जो बच रहा है, थोड़ा मोबाइल का चार्ज हो गया, आपका पर्सनल चार्ज हो गया, उसके बाद जो है, अगर सपोज दैट मान लीजिए आपका 4,000 दिरहम है, तो आप 1,000 में आराम से आप मैनेज कर सकते हैं, 3,000 सेव कर सकते हैं। यस, 3,000 मीन्स हो गया आपने इंडिया का 60, यस 60,000। तो अगर कोई ऐसा जानना चाहे आपसे सिंपल वे में कि किसी की 80,000 सैलरी है, 80,000, ठीक है, तो वो कितने में अपना जो यस एक होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली जाता है कोई, वहां पे तो जाहिर सी बात है यस दो यस तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जाते ही बिल्कुल सीधे एप्पल के लैपटॉप, बड़ी बड़ी मोबाइलें, ढेर सारे मतलब ब्रांड कपड़े, बिल्कुल शूज वगैरह, जो होता है ना कि एक तो टशन दिखाने के लिए, यो बनने के लिए बिल्कुल चल देते हैं ना, और सारे पैसे उसी पे लगा यस देते हैं, ठीक है। तो वैसा ना करने के लिए, जिसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी भी रहती है, अल्टीमेटली वो जॉब गया क्यों होता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, और बिल्कुल सेविंग उसे करनी ऑफकोर्स। रहती है, तो कुछ तो आराम से वो अगर 80 है तो वो आराम से 60 तक बचा सकता है, अच्छा, श्योर इतना तो बचना ही बचना है, अगर अगर उसकी मतलब वैसे भी है ज्यादा तो 65 भी। ज्यादा मतलब हाँ अयाशी नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा मतलब आ जाने रहा, बहुत ज्यादा मतलब वैसे वाला उड़ नहीं रहा है वहां पे, है ना। यस जी, चलिए बहुत अच्छा लगा, और आप तो थोड़ा दुबई यहाँ के बारे में पे बताइए। हाँ दुबई तो आने का ये भी था कि हमें बुर्ज खलीफा भी देखना है, और चीजें जो इधर की पॉपुलर प्लेस है तो वो सब भी देखना था। ये हुआ कि चलो ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो पीछे क्यों, तो अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा लगा सब कुछ यहाँ पे, काम वाम भी अच्छा था। आज मुझे 1 साल हो गया है, अच्छा 1 ईयर स्पेंड कर दिया यहाँ पे, तो काफी अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड है, और वर्किंग इन्वायरमेंट भी अच्छा है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। बट यह है कि स्टेट फॉरवर्ड रहना पड़ता है, मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी में, तो उसके लिए एसेंशियल है कि आपका गुड कम्युनिकेशन हो, उसके साथ ही साथ और चीजें भी जो चीज है वो सब सब होना चाहिए। अच्छा और तो अगर कुछ कुछ चीजें हैं जो प्लस होना चाहिए, जैसे आपको ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग है तो गुड है, तब तो आपका 1,000 और बढ़ के आएगा, क्योंकि आप अच्छा मार्केटिंग भी देख सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट है। जो इस कंपनी में, किस कंपनी अभी आप जॉब कर रहे हैं, आप अपनी करंट कंपनी के बारे में बताइए, और वहां पे आपको क्या क्या करना पड़ता है वो सारी चीजें आप बताइए, जिससे कि काफी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। जी, यहाँ पे जो कंपनी है इसका नाम ARG लेबल है, जो इसका फॉर्मली नेम है, जो इंडिया में है प्रकाश लेबल। प्रकाश लेबल बिगेस्ट कंपनी इन सेल्फ एडहेसिव लेबल एंड प्राइसिंग लेबल एंड आल्सो लेबलिंग मशीन। बिकॉज सेल्फ एडहेसिव, अभी इन्होंने प्रोडक्ट लेबल में भी मूव किए हैं नए, मोस्टली जो था इनका प्राइस लेबल ही था। तो प्राइस लेबल जो होता है हमारा, गन मशीन के थ्रू उस पर अप्लाइड होता है ना, जैसे मान लो कोई आर्टिकल है उस पर हमारा लेबल पेस्ट रहता है कि ये इसके मतलब कितने का कास्ट क्या है, तो उस पर लेबल लगा रहता है। तो मोस्टली उसके भी साइज होते हैं, जैसे 26x16 हो गया, और जो हमारा ये हाइपर मार्केट सुपर मार्केट होते हैं तो उसमें भी जो हमारा स्टिकर होता है, मान लो जैसे विजिटेबल विजिटेबल हो गया, कुछ चीज और हो गया, तो उसपे इंडिकेशन के पर्पज से हम एक यहाँ का स्टैंडर्ड साइज है 38x25, 50x25, दो साइज उस पर मतलब लगाते हैं, फिर उसपे बार कोड के थ्रू के माध्यम से हम उस पर प्रिंट कर देते हैं, यस प्रिंटर के थ्रू, रिबन होता है ना रिबन, तो मतलब ये मोस्टली बार कोड लेबल पे ही इनका इंडस्ट्री है यहाँ पे। यहाँ इंडस्ट्री दो है हमारे पास, एक ट्रेडिंग का भी है और एक इंडस्ट्री है। जो ट्रेडिंग है मतलब किसी से जितना होता है हम इंडस्ट्री से वर्क करते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास दूसरी जगह से भी हम करवाते रहते हैं वर्क, जैसे मान लो प्राइस लिया, अगर कहीं के दूसरे में कम प्राइस में बन गया तो हम उसको करके वो कर देते हैं, मीन्स ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्री दोनों चलता है। और यहाँ पे वर्क जो है प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग देखना और प्रोडक्शन प्रोडक्शन देखना, उसके साथ ही साथ एंट्री मारना, जो हमारा टैली पे होता है उस पे तो आप एंट्री टैली पे करना, भी काम स्टॉक करते हैं? मैच करना, यस टैली पे भी काम कर। यहाँ पे एक वही में एक और हुआ है ना कि आपको ऑल राउंडर होना पड़ेगा, मीन्स आप प्रोडक्शन भी देखो, क्वालिटी भी चेक करो। इंडिया में क्या है कि पार्टिकुलर सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, बट
अगर आपको नॉलेज है तो फिर सब सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा। हाँ, और वो डिपेंड करता है कंपनी पर भी। अगर बिगेस्ट कंपनी है तो आपको केवल एक चीज दिया है तो आपको एक ही चीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप उस लायक हैं, अभी तो मैं यहाँ पे पूरा चीज देख रहा हूँ, मुझे कार्टून ऑर्डर करना, कोर ऑर्डर करना, टेप ऑर्डर करना, डाई ऑर्डर करना, मशीनरी इक्विपमेंट या कोई टूल्स डैमेज हो गया उसको भी करना, और उसके साथ ही साथ सब चीजों का कोटेशन सेंड करना, तो मतलब बहुत काम रहता है। और कितने काम के कितने आवर्स होते हैं प्रोडक्शन के लेवल में ना, ये भी एक रहता है कितने घंटे काम करने पड़ेंगे बाहर जाके। तो आप इसको बताएंगे कि बाहर 8 घंटे रहता है कि 12 घंटे। वर्किंग टाइम जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, वर्किंग टाइम जो होता है इंडस्ट्री में, वो 3 टाइप का वर्किंग टाइम होता है, जैसे प्रोडक्शन टाइम, डाउन टाइम एंड एक्सलरी टाइम। ओके, तो प्रोडक्शन टाइम जो होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन टाइम होता है, जैसे उसमें हमारा 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड किए, मेक रेडी टाइम एंड अदर प्रोडक्टिव टाइम एंड रनिंग टाइम। रनिंग टाइम अलग हो, जो मशीन चल रहा हो रनिंग टाइम हो गया। मेक रेडी टाइम जो हमारा मेक रेडी करते हैं, प्री मेक रेडी, वो मेक रेडी में हो गया, दैट इज प्रोडक्शन टाइम। ओके, एंड सेकेंड ये हमारा हो गया डाउन टाइम। डाउन टाइम जो मतलब मशीन बंद है, कोई जॉब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो डाउन टाइम में आता है। एक होता है ऑक्सिलरी टाइम जो अतिरिक्त होता है, जैसे मतलब कि मान लो हमें कोई R&D करना है या टेक्निकल डिस्कशन करना है, और उससे वर्क प्लेस पे मतलब कोई इम्प्रूवमेंट करना है, जी R&D, यस दैट इज एक्सलरी टाइम। ओके, 3 टाइप्स हो गया, तो ये तीनों टाइम होता है, इस तीनों टाइम को हमें देख के सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, क्वालिटी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे लोगों को कि यहाँ क्वालिटी कैसी होती है लेबल प्रिंटिंग की? लेबल प्रिंटिंग की क्वालिटी क्या है कि जैसे लेबल जो है हमारा, लेबल रजिस्ट्रेशन आउट ना हो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, और कोई किसी प्रकार का फीलिंग प्रॉब्लम ना हो, चॉकिंग प्रॉब्लम ना हो, और डिफेक्ट तो कई होते हैं, कोई मतलब कि डिफेक्ट ना हो, मिसिंग ना हो कहीं पे इंक का हर चीज, और प्रेशर ओ प्रेशर भी ना हो, स्प्लिटिंग ना हो, कई चीजें होती हैं प्रॉब्लम जो हमारा, तो सब चीजें एकदम लेबल होके होनी चाहिए। ये नया नया वर्ड उसके साथ मेन चीज और होता है, यस, क्वालिटी में कि जैसे डायरेक्शन बहुत ही मतलब माने रखता है, पता लगा हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है लेबल ओपनिंग का, वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा माने वही रखता है। मान लीजिए आपने रोल बहुत मेहनत किया, सब कुछ कर दिए, बट आपका रोल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फिर वो रिवर्स प्रिंट होगा सब जब वो प्रिंट करेंगे, तो मतलब कि कई चीजें हैं जो मतलब ध्यान में रख के ही करना पड़ता है। तो संजय जी एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग रहते हैं उन्हें जो है बाहर में जॉब करनी रहती है, लेकिन जैसे होता है हार्ड वर्किंग पर्सन, मेहनत करने वाले इंसान, जो कि वो 9 से 5 वाला जो स्टाइल रहता है लोगों की, हाँ एकदम कट टू कट जाना है, उसके हाथ धो के सीधे निकल देना है, तुरंत है ना, आंख धोने को तो इंक वगैरह जो लगी रहती है, वो 5 बजे उनकी जॉब खत्म होनी है तो 4:45 से ही जाके हाथ धोना, सारा कुछ मैनेज करना, सब कुछ रेडी वगैरह करना कि हाँ जाके शूज वगैरह पहन के रेडी होते हैं जो बाहर निकलने के लिए, तो ये चीजें वहाँ चलती है या फिर लोगों को ज्यादा टाइम थोड़ा सा देना ही पड़ता है, 10-5 मिनट आपकी जिम्मेदारी की वजह से? 10-5 मिनट जी, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू जॉब। अगर मान लीजिए चेंज ओवर है तो कोई वो नहीं, बट अगर जॉब चल रहा है, मान लीजिए 100 रनिंग मीटर बचा हुआ है, तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि हम उसको फिनिश करके ही जाएं। वो जो टाइम है, टाइम तो ऑलरेडी नेक्स्ट दिन लंच टाइम, अदर वो टी टाइम एडजस्ट हो जाता है, बट जो चीजें है अगर वो एसेंशियल है वो काम, तो हमें उसको करना ही पड़ेगा ना। अगर ज्यादा जॉब बचा हुआ, मीन्स 1 रोल 2 रोल बाद चलाना है, तो वो फिर हम होल्ड करके नेक्स्ट दिन देखते हैं, बट अगर कोई अगर मतलब जैसे थोड़ा बचा हुआ है तो उसको हम करके ही जाते हैं। फ्यूचर क्या है? अच्छा आप ये भी बता दीजिए पहले लोगों को, फ्यूचर क्या है लेबल इंडस्ट्री का? फ्यूचर ये है कि लेबल क्या है, सबसे पहले कि ये पेपर पे प्रिंट होता है, जो कि एडहेसिव पेपर होता है, नीचे लाइनर रहता है रिलीज, और उसके बाद ग्लू रहता है, और लेबल, लेबल में यही फायदा है कि लेबल जो है किसी प्रकार का एनवायरमेंट इफेक्ट नहीं है किसी प्रकार का, और ये क्या है रिसाइकलिंग भी है, जैसे हमारा पॉलिस्टर हुआ, पॉलीमर, वो रिसाइकलिंग नहीं है,
बट ये लेबल जो है रिसाइकलिंग है, और ये जैसे मान लो आपने, हमने लेबल लेबल बाहर मान लीजिए हमारा रख पड़ा हुआ है, बारिश हुआ तो वो गल जाएगा, बट पॉलिस्टर रहेगा, पॉलिस्टर कभी फिनिश नहीं होता। तो मीन्स कई प्रकार के एडवांटेज है, इसलिए इसका ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, जिस और एडवांटेज तो मेरे हिसाब से नहीं इसमें है। जी इंक कौन कौन सी यूज होती है, इंक के बारे में थोड़ा बताएंगे कि लेवल में इंक क्या बिल्कुल होता बिल्कुल। इंक इंक जो है वो डिपेंड करता है हमारा मशीन कैसे, क्योंकि मशीन जो होता है यूवी बेस भी होता है, जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से कोरिंग होता है। एंड सेकेंड जो होता है वाटर बेस, जो एक हीटर रहता है, वाटर बेस इंक रहता है, वो हीटर के थ्रू कोरिंग होता है, है। क्योंकि प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा एसेंशियल है कोरिंग, कोरिंग होना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। तो इसमें इंक यूवी बेस होता है, तो क्यूरिंग यूवी मतलब यहाँ बेस पे मैं में भी लोगों को अच्छा बताना है कि चाहूंगा कि साल्वेंट क्यूरिंग जो आप बोल रहे हो इंक वो तीन मतलब थ्री इंक प्रकार सूखने, के। यस, इंक सूखना। तो हमारा वाटर बेस हो गया और यूवी बेस हो गया, और थर्ड आता है साल्वेंट बेस। साल्वेंट बेस मोस्टली जो है ग्रेवियर प्रिंटिंग में चलता है, और यूवी बेस जो है ऑफसेट एंड फ्लेक्सोग्राफी, ये हमारा यूवी बेस। हाँ, फ्लेक्सोग्राफी में भी साल्वेंट चलता है, बट वो हमारा सीआई बेस में चलता है, कॉमन इंप्रेशन में। बट ये लेबल जो है ये नैरो वेब है। टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सो, यस, टू टाइप्स ऑफ कौन फ्लेक्सो, सीआई कौन से? फ्लेक्सो एंड नैरो वेब। सीआई फ्लेक्सो कॉमन इंप्रेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड नैरो वेब क्या लेबल डिफरेंस इंडस्ट्री होता है लेबल। दोनों में? सीआई जो होता है वो हमारा कॉमन इंप्रेशन रहता है, कॉमन इंप्रेशन जो रहता है उससे अटैच रहता है पूरा यूनिट, जो एक सर्किल फॉर्म में रहता है। बट ये जो हमारा नैरो वेब होता है, नैरो वेब एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, और एक स्टैक टाइप भी होता है। तो इसमें ये डिफरेंट है कि पार्टिकुलर यूनिट अलग अलग होता है नैरो वेब में, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो सब यूनिट सेपरेट रहता है। और जो सीआई में रहता है उसमें सब अटैच रहता है एक सर्किल में, एक बड़ा सा ड्रम रोल या कॉमन इंप्रेशन बोल सकते हैं, उसी वो रहता है। उसके बाद सब प्लेट अटैच रहता है, प्लेट सिलेंडर अटैच रहेगा, एनिलाक्स और वो सब, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके थ्रू से हमारा पेपर फॉरवर्ड होता है आगे। जी, और फर्स्ट ये होता है अंतर। और सेकेंड जो है हमारा यू ये सीआई में जो है मोस्टली सॉल्वेंट बेस इंक चलता है, और नैरो वेब में जो है यूवी बेस चलता है एंड वाटर बेस। जी, वाटर बेस की कुछ खास बातें आप बताएंगे कि वाटर बेस में क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या वाटर होती है? बेस, जी वाटर बेस में तो परेशानी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर जो रहता है, प्रेशर बिल्कुल फाइन देते हैं, तो इसमें फीलिंग आने लगता है, क्योंकि वाटर के थ्रू वो उसमें थोड़ा वाटर और रिटार्डर भी मिलाते हैं, तो थोड़ा ये ठीक नहीं रहता ना, थोड़ा सा जब हम प्रेशर देते हैं तो थोड़ा फीलिंग टाइप फीलिंग आता है। बट यूवी बेस जो है उसमें बिल्कुल फाइन आता है, गुड प्रिंटिंग, बिकॉज उसका इंक जो है बहुत ही अच्छा रहता है, उसका विस्कोसिटी और हर चीज अच्छा है, तो मतलब तो बहुत ही अच्छा रहता है। वाटर बेस इंक सस्ती होती होंगी और यूवी बेस महंगी होती होंगी, ऐसा नहीं है? यस, वाटर बेस सस्ता होता है, चीपर नहीं, ऐसा है, यूवी बेस जो है वो कॉस्टली है, और ये वाटर बेस जो है ये बहुत ही चीपर है। वाटर बेस में ये फायदा है कि आप थोड़ा आप उसमें वाटर भी मिला देंगे, तो मीन्स अगर आप 2 किलो परचेस कर रहे हो तो 2.5 किलो कर देते हैं ऐसे ही, तो अच्छा, ये मतलब ऐसे मिलावट आपका आप आसानी से कर सकते हो। जी। बट यूवी बेस में आप कुछ नहीं कर सकते, जितना कंज्यूम होना ही पड़ेगा, और उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा कॉस्टली भी है ना, जैसे हमारा ईब्रिक लगाना पड़ेगा, ईब्रिक ईब्रिक जो रहता है उसके कूलिंग, मतलब कूलिंग उसी के माध्यम से होता है, उसमें अटैच रहता है, उसी के माध्यम से वो कूलिंग करता है। हाँ, तो यूवी बेस इसलिए थोड़ा कॉस्टली है, और वाटर बेस तो इंक जो है चीपर ही है और अच्छा भी है। तो मतलब अगर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमें ज्यादा वो करना है तो, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन है तो हम यूवी बेस ही लगाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम दोनों को लेके चलना है ना, और जब हमें ये हो कि हमें पैसा नहीं लगाना है, केवल जो है उसी से हमें करना है, तो वाटर बेस मस्ट है। तो
कहीं पे, अच्छा मशीनों के बारे में भी आप थोड़ा सा बता दें, आप कौन कौन सी मशीनों पे जॉब किए हैं, शुरुआत से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से, यूफ्लेक्स में थे तो क्या था, और फिर जी आप जी अलग जी अलग कंपनी में गए तो वहाँ कौन कौन जी सी मशीन। बिल्कुल। यूफ्लेक्स में थे तो हमने वहां पे मशीन जो था, ये हमारा सिरूटी मशीन था, सिरूटी बिगेस्ट मशीन मेड इन इटली। मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया में एक यूफ्लेक्स जम्मू का प्लांट ऐसा प्लांट होगा जहाँ पे 8 मशीन कंटिन्यूअस लगा है, J1 J2 दोनों प्लांट में। मतलब कि सिरूटी मशीन परचेस करना बहुत बड़ी बात है। सिरूटी मशीन 4 मशीन कंटिन्यू लगा हुआ है, एक प्लांट में एंड 4 अगेन नेक्स्ट प्लांट में। मीन्स 8 सिरूटी मशीन लगाना बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक कि पीपीएल के पास भी 8 सिरूटी मशीन नहीं, उन्होंने ग्रोथ किया अलग बात है, बट उन्होंने पेलिकान मशीन लाया है, मशीन भी कई है। तो वहां पे सिरूटी था, और हमारा ये फ्लेक्सोग्राफी का जो था कॉमेक्सी था। कॉमेक्सी जो है एक फ्लेक्सो में बहुत ही अच्छा, इस समय काफी ग्रोथ कर रहा है मशीन। तो कॉमेक्सी जो है बहुत ही अच्छी मशीन है। कॉमेक्सी आज पीपीएल में भी है, और जितने भी बिगेस्ट कंपनी है सब में है कॉमेक्सी, बहुत ही लोग परचेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कॉमेक्सी भी था, बट मैं ग्रिब्योर में था तो इसलिए सिरोटी मशीन पे ही वर्क किया। फिर उसके बाद हम स्कैनम जब गए तो वहाँ पे जीडीओ मशीन था और नील पीटर था। तो जीडीओ मशीन भी इटली का बना हुआ था, वो भी अच्छी मशीन है। तो उसमें हमारा बोर्डिंग पास का भी पेपर चलता था, जो हमारा बैगेज टाइप होता है। तो हाँ, तो जीडीओ मशीन भी था। जीडीओ मशीन पर नील पीटर पे काम किया गया। नील पीटर भी काफी अच्छी मशीन है। नील पीटर भी हमारा इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है, और डेनमार्क में भी है। नील पीटर दो है, एक यफे है और एक यफबी है, जो एक फ्लेक्सो एडवांस है जो मेड इन डेनमार्क है, और एक यफबी है जो मेड इन चेन्नई है। चेन्नई में एक कंपनी नील पीटर, बहुत बिगेस्ट कंपनी है इंडिया में। तो नील पीटर अभी इस समय लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि चीपर रेट में अच्छा क्वालिटी दे रहा है। हाँ, तो काफी अच्छी मशीन है, मुझे सबसे अच्छा मशीन नील पीटर ही लगा। तो नील पीटर, फिर उसके बाद जब हम वहाँ देहरादून में गए तो देहरादून में ओमेड मशीन था। ओमेड मशीन भी मेड इन इंग्लैंड का है, वो भी अच्छी मशीन है। तो ओमेड तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो आपका कोई वाइन का जाप है, फार्मा का जाप है, पॉलिस्टर है, हमारा सिलिंक लेबर हो गया, तो उस सब के लिए हमारा ओमेड मशीन अच्छा है। और अभी दुबई में जो है, दुबई में हमारा मल्टीटेक मशीन है, जो कि इंडिया का है, मेड इन इंडिया मल्टीटेक, फरीदाबाद में एक कंपनी है। अच्छा, दुबई में आपको और इंडिया की मशीन आप चला रहे हो वहां पे, मेड जी, इंडिया का, इन इंडिया, चलिए अच्छी क्योंकि बात है। इंडिया का, यस, मेड इन इंडिया हमारा था, ये इंडिया का, और मशीन भी अच्छा है, ऐसा किसी प्रकार का इशू नहीं है। या फिर आप ये भी बता दो लोगों को कि क्या क्या अच्छा रहता है, वो क्या पहले से सीख ले कि उनके लिए अच्छा हो, कि हाँ वहां पे जॉब पाना इजी हो उनके लिए, क्या क्या क्वालिटीज वो डेवलप कर ले, क्या क्या जी हैबिट्स जिसकी वजह से आसानी से वो जॉब उनकी वहां पे लग जाए। क्वालिटी है कि सबसे पहले जरूरी है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, वेल एडुकेटेड इंग्लिश, और प्लस उसके साथ ही साथ अगर ड्राइविंग का भी नॉलेज है तो बहुत अच्छा है। और लोगों से मतलब अच्छे से बात करना, और हर चीज मतलब एटीट्यूड से काम नहीं, उसको एप्टीट्यूड से काम करना पड़ेगा, अच्छा, एप्टीट्यूड। बड़ी अच्छी बात यस, आपने जो बताई। ये फॉलो कर लिया तो वो बेटर है, अच्छा है। और जी टेक्निकल नॉलेज होना कितना जरूरी है, बजाय कि इन सारी चीजों को, जैसे किसी को होता नहीं कि केवल बस टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज है, उसे पता है मशीन कैसी चलती है, साथ ही साथ, बताइए बताइए। हाँ, वो भी बिहेवियर्स का भी जो होता है, वो भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि हर इन्वायरमेंट में मतलब वो अपने आप को ढालना, मतलब कहाँ पे कैसे क्या है, हाँ, सब लोगों के साथ मैनेज करना मतलब माहौल के अकॉर्डिंग जाके ये वहीं भी पे ढल जाना, जरूरी है। जैसा जी माहौल वैसा, बिल्कुल, वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। है ना। एक हिंदी में कहावत है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जैसा देश वैसा भेद, है ना, बोलते हैं ना लोग, जैसा देश वैसा भेद। हाँ तो
अब आप प्लीज कुछ जगहों के बारे में बताइए जो कि दुबई में जैसे लोग जाएं तो वहां विजिट करें तो बहुत अच्छा है, या फिर आप स्थान कहाँ पर। यहाँ पे तो जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, वो भी अच्छा है, और ये आपका ग्लोबल विलेज है वो भी काफी अच्छा है, मिराकल गार्डन है, और उसके साथ ही साथ और भी है, और डिजर सफारी करके नाम है वहाँ पे भी है। तो मतलब कि काफी प्लेस है, आके आप घूम सकते हैं, काफी अच्छा है किसी प्रकार का। मतलब यहाँ पे बोले मोस्टली क्या है कि यहाँ पे मुझे तो फील ऐसा होता है कि मैं इंडिया में ही हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे केरला साइड है हमारा, मतलब साउथ के लोग ज्यादा है इधर। अच्छा हाँ, तो कभी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब हम कहीं पे आ गए हैं, और यूपी के लोग भी ज्यादा हैं, मतलब ऐसा आभास नहीं होता, ऐसा आभास होता है जैसे दिल्ली उल्ली में कहीं पे हैं, तो काफी अच्छा है। हाँ, काफी अच्छा लगता है। मतलब आपको दुबई भी दिल्ली लगती है, आप ये कह रहे हो, वहां पे लोग ऐसे दिख जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मिलते जुलते हैं, है ना, एक माहौल सा हाँ, लगता बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम है, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है। मीन्स आप कुछ भी करो, बट ये है कि आप लॉ के अकॉर्डिंग ही करना है, जो चीज है वो चीज है। आप अगर राइट हो अपने तरफ से तो है। आपको कोई कुछ नहीं। राइट का थोड़ा सा हम मतलब आप ट्रैफिक के बारे में आगे बात कर लेके लेते हैं, चलो, दुबई में प्लस ट्रैफिक कैसा है, जो चीजें है मतलब सिस्टम। क्योंकि हाँ, हम लोग ना, ट्रैफिक ट्रैफिक तो बहुत हुआ है। अगर आप रेड रेड है तो रेड मीन्स खड़ा ही रहना पड़ेगा, अगर ग्रीन जब होएगा तभी आपको चलना है, अदरवाइज फाइन बहुत है। मतलब कुछ चीजें हैं, रूल रेगुलेशन यहाँ का है जी। मतलब जैसे इंडिया में कि कहाँ कहीं पे कोने से अगर जगह मिल रही है, कुछ कुछ जगहों पे लोग देखो ना निकल जाते हैं ऐसे थोड़ा सा बगल से, बड़ी जल्दी में रहते हैं लोग, तो वैसा वहां पे नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको टाइम वेट करना ही पड़ेगा, आप चाहे कोई भी हो, ये भी हो कि हमारे चाचा विधायक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता क्योंकि मतलब कि जो जैसे रूल है लोग वो रूल है। हाँ हाँ देखते ना, एक बार लेफ्ट देखेंगे, एक बार राइट देखेंगे, कोई नहीं है, निकल चलो यार, क्या नहीं, दिक्कत है। नहीं ऐसा नहीं है, रूल जो है, रूल रेगुलेशन अच्छा है, आपको रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, फिर वो हमारे लिए अच्छा है ना। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे, सपोर्ट डेट मान लो अगर रेड सिग्नल है, अगर आप जा रहे हो आपने ध्यान नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए थोड़ा वेट कर लो, देर से पहुंचो बट अच्छे से। बिल्कुल मतलब दुर्घटना से देर भली, आपका कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कितने घंटे की वहां की शिफ्ट रहती है आपकी, मतलब जॉब करने का जो टाइमिंग रहता है वो क्या रहता है, 10 आवर्स, 10 आवर्स का। यस। अच्छा और जैसे दुबई की मैं बात करूँ, है, पूरे दुबई में क्या वर्किंग अरे एनवायरनमेंट है, जैसे कि कल्चर जो है ना काम करने का, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स या इससे ज्यादा, क्या एवरेज क्या है वहां का, जैसे लोग जाते हैं मोस्टली जॉब करने। औरत जो है डिपेंड करता है, मोस्टली तो 12 आवर्स ही रहता है, बट आपको ओटी देंगे 8 आवर्स, उसके बाद 4 आवर्स जो रहेगा ओटी देंगे, और चीजें भी है तो काफी अच्छा है। कहीं कहीं पे क्या है कि जैसे अब हमारा कंपनी जो है 10 घंटा वर्क लेता है, ओटी नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग ड्यूटी ही रहता है हमारा सबका, नाइट वाइट नहीं रहता, अच्छा, वो तो शिफ्ट एक तरह चेंज नहीं से भी होता है। एडवांटेज है, एक एक ही उसमें। यस हाँ, मतलब किसी प्रकार का लैपिंग नहीं है तो अच्छा है ना, मतलब टाइम जो है वो टाइम है जी। और छुट्टी नाइन वगैरह तक के बारे पहुंचना में है, कैसे, 5:30 छुट्टी में, 1 ईयर पे 1 मंथ का लीव है। 1 ईयर आप कंटिन्यू स्पेंड किए तो उसके बाद 1 मंथ का लीव है आपका, लीव लीव सैलरी और ये भी है, तो मतलब और आप आओगे तो कंपनी उसके पैसे देगी, है यूआई ना, आपको का ट्रेवल रोल वगैरह। भी है, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया। बिल्कुल हाँ, ट्रेवल एक्सपेंस करेगा कंपनी, कंपनी सब देगा ना, और ग्रेजुटी भी देगा जो यूआई के अकॉर्डिंग है कि आपका कैसे सैलरी के अकॉर्डिंग ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी भी देगा और आपका टिकट भी देगा, और 1 ईयर पे 1 मंथ का लीव भी देगा। और डिपेंड करता है यहाँ पे कंपनी जो है कई टाइप्स के होते हैं ना, जैसे मान लो फ्री जोन में है, और उसके साथ ही साथ LLC भी होता है, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी होता है। तो जो फ्री जोन होता है वो फ्री जोन होता है जो मतलब इनका एक अपना FZD होता है, मीन्स फ्री जोन है मीरा, जो फ्री जोन है, कई फ्री जोन है, जैसे अजमान फ्री जोन, जेबलली फ्री जोन, जो इनका मीरात है,
सेवन अमीरात है ना, तो सेवन अमीरात में इनका दो तीन जो है फ्री जोन है, फ्री जोन इंडस्ट्री है, मतलब फ्री जोन है। यहाँ पे कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो, किसी भी प्रकार का वो कर सकते हो, कोई आपके ऊपर वो नहीं है बाउंडेस। और एक एलएलसी जो होता है, एलएलसी भी कंपनी होता है, तो उसमें थोड़ा रूल रेगुलेशन उनके अनुसार रहता है। और एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो कई प्रकार के सब है। जैसे अपने यहाँ सोनीपत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन था, सिस्मा, हाँ और उसके बाद कुंडली में भी था अलग अलग, तो मतलब वो राय इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली हाँ इंडस्ट्रियल एरिया वैसे ही होता है। बाकी ठीक है, अच्छा है जो भी है। तो कुछ कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो प्रिंटिंग से जो अभी जूनियर्स हैं जो या फिर जो बोल रहे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं जो आपसे छोटे भाई जी आपके होंगे उनको जो है ना कि उनको क्या आप सलाह देना चाहोगे कि अगर कोई दुबई में जॉब करना चाहे तो कैसा रहेगा क्या वो जी उनके लिए तो पहला नंबर द्वार तो खुला ही है हाँ हमेशा, प्रिंटिंग के लिए द्वार तो हमेशा खुला हुआ है। रिक्वायरमेंट कहीं पे है उनको पता करते रहना चाहिए कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किस फील्ड में है। अब अगर क्वालिटी में है तो क्वालिटी से संपर्क करें, मतलब कि रिक्वायरमेंट देखते रहना चाहिए हर कंपनी में, कहाँ किस में है, प्रोडक्शन लाइन में है, क्वालिटी में है, या डिजाइनिंग में है, प्री प्रेस में, प्रिंटिंग में, पोस्ट प्रेस में, किस में है, उस पर डिपेंड करता है। तो हाँ, उसके बाद रिक्वायरमेंट भी देखते रहें कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और सब कुछ अगर राइट है, नॉलेज, वेल नॉलेज है, वेल एडुकेटेड है, तो फिर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अच्छा और उसके साथ ही मतलब साथ एक चीज माने रखता है, बिहेवियर। अच्छा आप बार बार बिहेवियर को पॉइंट आउट कर रहे हो फोकस कर रहे हो लगता है इसका कोई बहुत बड़ा रोल होता है कि बाहर कंट्री में जॉब करने में बिहेवियर का कितना रोल होता बिल्कुल 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 वो होता है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही जरूरी है ना, इसलिए है मतलब लैंग्वेज पे आपका कमांड होना कि जो आप बोल रहे हो लोग वो अगर आप कितना असर करेगा सामने वाले पे है ना ये चीज को पहले से हाँ एक एक कहावत है किसी मूवी में जैसे कहा गया है कि हाँ पहले बिल्कुल तोलो बिल्कुल फिर बिल्कुल बोलो पहले तोलो फिर बोलो करके है ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वो वैसे तो उसको फॉलो करना। तो कुछ एक जैसे लोग रहते हैं कि वो प्रिंटिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हाँ जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि अरे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं इसका तो कोई कैरियर है नहीं इसमें तो फ्यूचर ही नहीं है अरे ये तो ऐसा हो रहा है वैसा बच्चे नहीं को जो जूनियर है वो डीमोटिवेट होते हैं जब पढ़ते रहते हैं तो भी बोलते हैं उसको उनको लोग और जब है ना वो लोग बोलते हैं उनको तो उन्हें लगता है मेरे पास नहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या करे सर जी क्या जी नहीं करे बीटेक करे कि एमटेक करे लोग बोल रहे हैं इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं कोई कैरियर नहीं मान लो मैंने कर लिया ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपको कितना मतलब नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो एक डिप्लोमा होल्डर आगे चल के जीएम बनता है, उसका मोटो तो भाई सबका वही है कि आज नहीं कल तो एक प्लांट हेड ही बनना है। अब वो कोई भी हो तो डिपेंड करता है मतलब नॉलेज, अगर नॉलेज आपको अच्छा है तो आपको कोई जाने नहीं देगा, ऐसे भी होता है। अगर नॉलेज नहीं है तब फिर भाई आप कहीं भी जाओ फिर सक्सेस नहीं है ना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज, और सुनना सुनना भी बहुत बड़े माने रखता है, कि किसी की बातों को सुनना, डेली सुनो डेली निकालो, सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा प्रिंटिंग में, ये काम ही ऐसा है भाई, संजय जी जैसा कि आपने है इतनी सारी बैटरी ओनली इन्फॉर्मेशन फाइव हमें परसेंट दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम लोग चाहेंगे क्योंकि इसका धन्यवाद। सेकंड पार्ट भी हम लोग चाहेंगे कि आए लेकिन वही है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर अच्छा लगा हो आपका ये क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू है हमारे इस चैनल पे और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहेंगे जो कि हमारा ये मोटो ये था ये बताने का कि जो लोग कर चुके हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है उनसे आप सीखो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और युवा पीढ़ी जो है कि भारत की जो जो 18 से बोलते हैं 25 22 23 साल की जो एज है उनमें एक नया जोश होता है एक नया जुनून होता है एक जज्बा होता है काम करने का और वो किसी को वही चीजें बताएंगे जो ऑलरेडी उनके साथ हुआ है ठीक है तो उनके जो टिप्स है उसको आप फॉलो करोगे या उनकी जो बातें हैं वो आप फॉलो करोगे तो आप वो गलतियां करने से बच जाओगे जो कि उन्होंने किया है या तो आप वेट करो कि मैं इतने एज का होऊंगा मैं भी वो गलतियां करूंगा तब सीखूंगा या तो फिर आप ये इंटरव्यूज वगैरह जो मैं लाता रहूंगा इनसे भी आप सीख सकते हो कि क्या क्या जरूरी है कैसे कैसे अपने करियर आप और अच्छा बना सकते हो तो वैसा भी करके आप सीख सकते हो क्या बोलते हैं संजय जी इसके बारे में आप लास्ट में कुछ टिप्स देना चाहें ठीक है तो कुछ बता दें इनको और हम लोग वीडियो तो नेक्स्ट करेंगे ही कंटिन्यू इसलिए हम लोग जो है ये वीडियो अब यहीं पे एंड करना चाहेंगे तो
आपने अपना टाइम दिया संजय जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। और अगर आप लास्ट में कुछ दो एक लाइन बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं उनको। जी ठीक है, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जी। तो मतलब आप फिर से टाइम दे देंगे जब जब हमारे दर्शक बोलेंगे कि नहीं एक और शूट होना चाहिए, एक और वीडियो। चलिए, तो आपके चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।